कुत्ता मैं आपने बनना शिवा, आप बनो मालिक। नहीं बना मालिक, तो क्या बनना? क्या मुझे दूसरा कुत्ता बनना है। दूसरा कुत्ता, चलो मैं बनती हूँ मालिक। चलो दोनों डॉगी, चलो चलो जल्दी, चल चलो चलो जल्दी। कपड़ों का क्या हालत बना दी, तू बहुत ही खतरनाक कुत्ता लग रहा है। जो ज्यादा भौंकते हैं ना यहाँ से उनको पड़ती भी है। ये टोपी क्यों पहनी है धूप में, इसको खोल दे। आजा, तूने बनना? हाँ तुझे बांध दू, हाँ बांध दू मैं। बनना नहीं बनना डॉग, जीभ कैसे निकालता है डॉगी, वैसे भी निकाल ले। डॉग के मुंह में डाल दे कुछ, एरोप्लेन डाल दे डॉग के मुंह में, फिर चुप हो जाएगा वो। हाँ डाल दे एरोप्लेन इसके मुंह में, डॉग के मुंह में डाल एरोप्लेन डाल। ये जकला जकी जकी मस्ती मार रहा है, जकी जकी। हेलो एवरीवन, मैं लतु स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। का नाम है हिमाचली ब्लॉगर एंड ब्यूटी लतु। तो अभी देखो दोपहर हो गई है, आज सुबह नहीं बोलूँगी, आज दोपहर हो गई है और हम आ गए थे अपने इधर नए घर में। तो यहाँ पे क्या है कि अभी दोपहर का टाइम हो गया है और अभी खाना खिलाने का टाइम आ गया। ऊपर आपको टाइल की आवाज़ आ रही होगी, पता नहीं मेरी आवाज़ आपको पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है। बच्चों को 15 दिन की छुट्टियाँ हो गई है तो उस वजह से पिछले कल हम आ गए थे घर पे, अभी 15 दिन यहाँ पे ही रहेंगे। आपने देखा बच्चों की गेम यहाँ पे, उनकी फुल मस्ती होती है गेम, मतलब बच्चे खेलते हैं तो उसे सीखते भी हैं, इसलिए मैंने भी उसको उधर रहने दिया है। और अभी यहाँ पे मेरे को खिलाना है उनको खाना, तो खाना मैं अभी ले जाऊँगी बाहर। और चलिए अभी और क्या ले जाती हूँ बाहर खाना। तो यहाँ पे मैं प्लेट वगैरह निकाल रही हूँ और हम क्या करते हैं ना, जैसे बाहर ही रख देते हैं उनको, जितना भी खाना हो वो अपने हिसाब से ले लेंगे उनके लिए जैसे खाना बनता है। तो बस उसके बाद मैंने उनको खाना दे दिया तो मैंने वो बिल्कुल भी छूट नहीं किया। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ तो बरामदा वगैरह, ये अभी दीवार की टाइलें वगैरह लगा रहे हैं और नीचे बरामदा भी अभी थोड़ा सा है, मतलब आगे वाला हिस्सा थोड़ा सा सीढ़ियों वाला हिस्सा है ना वहाँ पर रह गया है। तो ये फ्लावर मैं आज आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। एक्चुअली ये जो हाईलाइटेड जो पैटर्न था ना वो सिर्फ एक दीवार का था, बाकी की जो इधर उधर की दीवारें थी वो प्लेन ही होनी थी, लेकिन ये वाले डिब्बे ज़्यादा आ गए थे तो उन्होंने क्या किया एक एक बेल इधर को भी डाल दी, तो ज़्यादा फूल पत्ते भी अच्छे नहीं लगते फिर। और बाकी अंदर वाले तो आपने देख लिए हैं, ये तो पूरा हो चुका है, बस इतना ही डलना था। क्या होता है कि जैसे नीचे नीचे पेंट ना बच्चे ख़राब कर देते हैं, जैसे पेंसिल वगैरह लगाएंगे या कुछ भी, तो इसलिए टाइलें डली हो तो फिर उनको वॉश कर सकते हैं, चाहे वो वॉशेबल पेंट हो लेकिन वो भी अच्छे से साफ नहीं होता फिर। और बाकी यहाँ पे अभी वैसे ऐसा ही है कि अभी सामान बिल्कुल पड़ा हुआ है, मतलब सामान अभी सामान वगैरह भी नहीं उठाया है। और ये मैं किचन आपको दिखा रही हूँ, किचन किचन की टाइलें मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली, ये वाला पैटर्न तो मैं आपको बार बार दिखाती रहती हूँ। बार बार तो क्या, मतलब जब भी यहाँ पे आती हूँ तो ज़रूर दिखा देती हूँ आपको। और अभी भी मतलब अभी बहुत काम बाकी है घर में, तो पूरा अभी पूरा सीमेंट वगैरह भी अंदर चला जाता है, जैसे इस रूम पे भी देखूंगी तो अंदर मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि शूज़ वगैरह हमारे गंदे होते हैं, उन्होंने रूम साफ़ कर दिए हैं तो इसलिए फिर मैं अंदर नहीं जाती हूँ। और अभी वो खाना खा रहे थे, जैकी देख लो कैसे देख रहा है खाना खाते टाइम। हाँ मैंगो का ट्री बना था शिवा ना, हाँ उठो तो उठो, हाँ फ्रूट थूक देते हैं, फ्रूट नहीं खाते हैं, बाय शिवा। अभी भाई शाम का टाइम होने वाला है, शिवा यहाँ पर लेट चुका है, मतलब थोड़ी देर मैंने उसको सुला दिया, वो खेल रहे थे काफी टाइम, काफी देर खेल रहे थे, मतलब शिवा को देखा आपने, आया इसको देखा, डॉग बन रहा था, कभी शिवा डॉग बन रहा था कभी आया डॉग बन रहा था। तो अभी मैंने चाय वगैरह बनाई जो हमारे मिस्त्री लगे हों उनके भी, और पता क्या यहाँ हमारे मतलब अभी मेरे को संघ की आवाज आई क्योंकि यहाँ पे नीचे एक बुजुर्ग थे जिनको जो एक्सपायर हो गया, अब उनकी डेथ हो गई है अभी थोड़ी देर पहले हुई थी, तो अभी शायद उनको जलाने ले जा रहे हैं। तो मैंने चाहती शिवा अभी उठे
और कहते हैं कि बच्चे थोड़ा दूरी रखनी चाहिए, जब भी कुछ ऐसा हो तो बच्चों को सुनाई नहीं देना। और ऐसा भी कहते हैं कि जब पेट में, जैसे माँ के पेट में बच्चा होना, तो उस टाइम भी नहीं आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, मतलब माँ को नहीं सुननी चाहिए आवाज़, वरना फिर बड़े होके बोलते हैं बच्चा डरता है या फिर उसको कुछ ऐसा होता है। तो मेरे क्या मेरे जब मैं मेरे पेट में जब शिवा था, मतलब मैं प्रेग्नेंट थी शिवा से, तो उस टाइम ऐसा हुआ था कि मेरे चाचा ससुर एक्सपायर हो गए थे, और कहते हैं कि शंख वगैरह की आवाज़ भी नहीं सुननी चाहिए और ना ही देखना चाहिए, जैसे जलाते हैं बॉडी को भी तो वो भी नहीं देखनी चाहिए। तो उस टाइम मैंने वो भी देखा था, और बाकी मुझे आवाज़ भी सुनाई दी थी, तो मैंने देखा भी था, मतलब जब मेरे चाचा ससुर को सब कुछ आवाज़ें सुनी थी क्योंकि हम वहीं पे ही थे। तो तब कभी कभी मन में ऐसा भी आता है कि शायद हो सकता है उस वजह से शिवा डरता है, क्योंकि आपने देखा ही है बहुत डरता है ये भी। अब इसको उठाऊंगी क्योंकि वो यहाँ से ही लेके जाएंगे, नीचे से ही डेड बॉडी जो है, तो इसलिए मैंने उठाऊंगी इसको अभी। अभी मैं इसको सोने दूंगी, फिर मैं इसको चाय पिलाऊंगी क्योंकि चाय का बहुत दीवाना है, दिन को मैं इसको चाय दे देती हूँ। ठीक है, अभी फिर नीचे चल के भी आपको दिखाऊंगी हमारे यहाँ पे टाइलों का काम। अभी भी मतलब अभी भी 10-15 दिन मुझे लगता है लगेंगे टाइलों के भी। नीचे जो हमारे शटर हैं जहाँ पे गाड़ी पार्क की होती है, हमने अंदर गाड़ी लगाई होती है, वहाँ पे भी पूरा जो पहले वो फर्श डाला था ना, वो भी उखाड़ दिया अभी, कल वो ही उखाड़ा था, और वहाँ पे भी अभी टाइलें डलेंगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी शुभी और शुभी की ताई जी चले गए हैं आज मार्केट। शुभी आपको तब ब्लॉग में नहीं दिख रही है, मम्मी जी पिताजी गौरी के पास है, दादी चली गई है धूप सेकने, तो यहाँ पर भी खाली खाली आपको दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ मेरा रूम है। और ये जो बेड है ना, मैं कभी सोचती हूँ कि आपको ये बेड दिखाऊंगी पूरे, मुझे बहुत पसंद है ये वाले बेड, मतलब जब बेड ने ये डिजाइन पसंद किया था उस टाइम भी शिवा पेट में था, प्रेग्नेंट थी मैं उस टाइम भी, जब मैंने ये वाला बेड का डिजाइन, उस टाइम हम नए नए इधर आए थे। संख्या बात सुनाई दे रही है अभी भी, तो चलिए अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे, वरना मैं बात तो मैं ब्लॉग को एडिट कर लेती हूँ, फिर मैं अपलोड होने लगा देती हूँ उसको। अभी देखो शिवा उठ गया है और पानी भी कर दिया फिनिश, इसको मैंने गर्म पानी दिया अभी अभी, दे दो इसको चाय चाहिए, चाय का पीर, इसके लिए मैं बना रही हूँ चाय यहाँ पर। और अभी डाल लेते हैं इसको दूध, चाय में एक्चुअली काली मिर्च वगैरह सब कुछ डाल देती हूँ ताकि चाय जो है काढ़ा टाइप बन जाए। दूध नहीं चाय बना रही हूँ, चाय में दूध तो बेटा डलता ही है, इसको दूध पसंद नहीं है, चाय पसंद है भाई, ये चाय बन रही है नॉट दूध। वो रहा हमारा पुराना घर। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये पुराने घर तो नहीं जा रही है, लेकिन मैं पुराने घर नहीं, मैं आई थी यहाँ पे पानी लेने, पिताजी लाए थे पानी, और क्योंकि उनको जाना था, मतलब जो एक्सपायर हुए हैं उनको, जैसे लकड़ी डालते हैं हमारे यहाँ पे, उन वहाँ पे उनको जाना था, तो मैं आ गई हूँ। अभी पानी का डिब्बा मैंने ले लिया, शिवा को रखा मैंने दादी के पास। पढ़ाई की तूने? पढ़ाई की थी, तेरी मम्मी भी आ रही है। ओ, मैं ले जा रही हूँ जैकी को घुमाने, लेकिन इसने हालत खराब कर दी मेरी, थोड़ी देर भाई खुल गया फिर पकड़ा ही नहीं गया मेरे से। चलो 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 पॉटी करनी जैकी, गंदा बच्चा, इतना भागा बड़ी मुश्किल से पकड़ा इसको। हमारी कुलदेवी का मंदिर भी दिख रहा है, और ये जो धुआं आ रहा है अभी शायद वहाँ पे जला रहे होंगे बॉडी को, वो देखो। और वो रहा हमारा पुराना घर सामने, जाके चले चले। अब सुसु तो तूने कर लिया, इसको थोड़ा सा लू छोड़ो, अभी भाग जाएगा बंदा। वगैरह को ला के ही नहीं लेके आई क्योंकि इस तरफ जैसे जलाएंगे, तो इसलिए मैं उसको नहीं लाई साथ में। वहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, लगता है अग्नि अभी दे दी है, वहाँ पे जला रहे हैं। क्या दिखे इधर को, यहाँ पे एक बार हमें तेंदुआ भी दिखा था, जो ऊपर टॉप पे दिख रहा है ना वहाँ पे हमें तेंदुआ दिखा था, तो भाई तुझे अभी तेंदुआ तो नहीं दिख रहा है, इसको यहाँ पे मुर्गा दिख रहा है का, तो जाने ये सोच रहा है मैं शिकार करूंगा अभी। कान देखो इसने खड़े कर लिए एकदम से, चले चल चल चल। फाइनली गाइस अभी नेक्स्ट डे हो गया है, नेक्स्ट डे मतलब 3 तारीख है आज, और अभी मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। अभी हम कहाँ जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं अभी यहाँ पर नीचे चबरखा है, कोई एक्सपायर हुए थे तो उनको 4 साले हो गई है, तो बस वहीं पे अभी हम जा रहे हैं, वहाँ पे खाना होता है, जैसे 4 साले हो जाते हैं हमारे यहाँ पे चबरखा बोला जाता है, वहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। और सिंगर भी आए हुए हैं यहाँ पे, महान सिंगर, तो महान सिंगर 2 सिंगर गाना गा रहे हैं।
कौन सा गाना गा रहे हो? आ जाओ, जो स्कूल में इनका डांस हुआ था। यहाँ गाओ, यहाँ इधर आएगा। एक ढोलक बजाने लग गया है, गाना गाना हो चुकी हूँ। बाकी सुबी भी रेडी हो गई है, वो गई है तंगी करवाने अपने ताई के पास। और बाकी चलिए चलते हैं अब वहाँ पे। आपको लेकिन नहीं चलूँगी अभी, ब्लॉग को मैं शाम को ही ख़त्म करूँगी। देखती हूँ वहाँ पे, मुझे वैसे शूट नहीं करना है ब्लॉग को, ठीक है। तो चलिए अभी बस हम तैयार हो गए हैं और शाम का टाइम हो गया अभी 4:26, मतलब 4:30। अंदर आना मना है, ऐसा लिखा है ना, लिखा तो है। तो अभी हम आ गए हैं खाना खा करके नीचे से, और मैंने कहा यहाँ देख लेते हैं थोड़ा बहुत, आज उन्होंने ये बॉर्डर वगैरह डाला है नीचे वाला। हाँ, और अभी भी हाँ, कोई बात नहीं, ये भी उठा लेते हैं कप चाय के। चले शिवा भी नीचे है, दे दो सुबी इसको थोड़ी देर, दे दे प्लीज, दे दो इसको खिलौना थोड़ी देर नीचे। चलो हैं, चलो तो चलो।